स्वागत सर, आप गवर्नर साहब की लैंग्वेज को कैसे देख रहे हैं? पहला चीज तो है कि गवर्नर साहब ने अतुल साहब का जो जो स्टेटमेंट था वो सुन के वो स्टेटमेंट पे कमेंट किया है। कांग्रेचुलेशंस अतुल साहब जी। तो एक ये दूसरी है जो उनका जो कंक्लूडिंग कुछ भी हो, नंबर हो, जितने भी डिसेंट हो वगैरह, जो फाइनल कंक्लूजन में एक मिनट में जो कहा वो अभी रेट कट की कोई संभावना नहीं है। वो जो स्पेसिफिकली उन्होंने कहा कि द स्ट्रॉन्ग ग्रोथ गिव्स द एमपीसी मोर एल्बो रूम टू गो टुवर्ड्स ए सस्टेनेबली लो इन्फ्लेशन, मैं अतुल साहब के साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि ये साल में मैंने बहुत मैंने इन्फ्लेशन क्या होता है वो देखना पड़ेगा, लेकिन कोई सवाल नहीं है कि जल्दी कोई रेट कट की संभावना है। देखिए मैंने सब सेंट्रल बैंक ये कोई रेट चेंज को स्टेप बाय स्टेप लेते हैं, तो पहला स्टेप हो गया है कि जितना डिसेंट है फ्रॉम 5 to 1 to 4.4 to 2 वो पहला स्टेप हो गया है। अगला स्टेप होगा स्टैंड चेंज फ्रॉम रिस्ट्रिक्टिव टू न्यूट्रल, वो स्टेप होगा। अब वो अगस्त में आएगा या अक्टूबर में आएगा ये अभी तक पता नहीं है, इन्फ्लेशन कैसा जाता है वो देखेंगे। उसी के बाद तो मेरा अंदाजा है कि मैंने मेरा दिसंबर के पहले अनलाइकली है जिस तरीके से, और 7.2% ग्रोथ इज वेरी स्ट्रॉन्ग क्योंकि मैंने IMF के फोरकास्ट में दुनिया ग्लोबल ग्रोथ 3.2% होने की संभावना है 2024 में, 7.2 इज टू मच। तो जितना भी वो फेड के बारे में स्टेटमेंट दे कि वी आर इंडिपेंडेंट ऑफ द फेड एटसेट्रा, जो ग्लोबल जो लोकल ग्रोथ और जो इन्फ्लेशन के जो ट्रेड ऑफ है वो अभी भी इसके लिए रेट कट के लिए बहुत बहुत कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन जो मैक्सिमम जो चीज होगा वो डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स को कमाने की कोशिश करेंगे। पहला होगा वो लिक्विडिटी मैनेजमेंट की जो रिपो रेट है और कॉल रेट है उसको 6.5 के बिल्कुल पास रखे, और दूसरा ये जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो 10-year yield जो बेंचमार्क yield है वो धीरे धीरे वो आप देखेंगे वो कमता रहेगा, 6.9, 6.85 उस तरीके से जाएगा, वो पूरा yield curve को नीचे लेके आएगा। तो that's their strategy कि इन ब्याज दरों को कैसे कम किया जा सकता। स्वागत सर, आपसे राय लेना चाहता हूँ, फिर गवर्नर साहब 1% नीचे की ग्रोथ क्यों सोच रहे हैं इस करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए? तो अनिल जी ये देखिए कि जो 8.2% जो FY24 की जो ग्रोथ के एस्टिमेट आए हैं ये बहुत ही एक सिंगुलर चीज है, क्योंकि जो GBA ग्रोथ है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो एक्चुअली होता है वो एक्चुअली 6.3% है। हाँ, और इस बार ये जो GDP और GBA के ग्रोथ में ये रिकॉर्ड डिस्क्रिपेंसी है, ये हुआ है कि इस बार इनडायरेक्ट टैक्सेस के ग्रोथ बहुत हाई था और सब्सिडीज बहुत कम थे, फर्टिलाइजर और फूड सब्सिडी। मेरा अंदाजा है कि इस बार सब्सिडी और फूड के सब्सिडीज बढ़ेंगे क्योंकि जानते हैं हमारे जो पॉलिटिकल आउटकम जो हुए हैं तो वो बढ़ेगा, और शायद इनडायरेक्ट टैक्सेस उतना नहीं बढ़े क्योंकि कॉर्पोरेट ग्रोथ इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो। तो ये दिस इज अ टेक्निकल थिंग, हमारा जो एक्चुअल इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो 6.3 था FY24 में, हमारा अंदाजा है कि वैसे ही करीब 6.2, 6.3, 6.4 उतना ही रहेगा। तो ग्रोथ में बहुत कुछ फर्क नहीं है, लेकिन 6.2% GBA ग्रोथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है।